नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और इन राज्यों में सरकार की तैयारी भी शुरू हो गई है और इसके साथ ही सियासत में नई बहस ये भी है कि नतीजों का महासमर यानी 2019 में क्या असर होगा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन चुनावों का लोकसभा में खास असर नहीं होगा, पर सवाल ये है कि क्या ये नतीजे नई कहानी नहीं लिख रहे, रणनीति को फिर से परखने को मजबूर नहीं कर रहे? क्या राहुल ने खुद को स्थापित करके महागठबंधन में ड्राइविंग सीट नहीं हासिल कर ली है और क्या ये परिणाम सपा बसपा कांग्रेस के करीब आने की कहानी को पूरा नहीं करते? और बीजेपी के लिए रेड अलर्ट क्या ये चुनाव नहीं थे? मध्य प्रदेश और राजस्थान बड़े हिंदी भाषी राज्य हैं, यहां की हार क्या बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की हार नहीं और उन कवायदों की भी कमी नहीं जिनके जरिए जनता को साथ लाने की कोशिश की गई थी? यानी राम हनुमान और जाति का जादू भी क्यों नतीजे नहीं ला सका? और सवाल ये भी है कि अलग अलग राज्य की अलग तस्वीर जनता के बदलते मिजाज की सैंपलिंग क्या नहीं थी? और पार्टियों के लिए अब समझना जरूरी नहीं हो गया कि आखिर क्या कहता है ये जनादेश? तो जनता के इसी जनादेश का जिस्ट क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, इसी पर आज की बहस होगी। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले आपको बयान सुनाते हैं जो नए सियासी संकेत दे रहे हैं, खासतौर पर यूपी की सियासत के लिहाज से और मिशन 2019 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिहाज से। प्रदेश में अभी भी ये पार्टी यहाँ सत्ता में आने के लिए पूरे जोर तोड़ में लगी हुई है, जिसे रोकने के लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सोच व नीतियों से सहमति न जताते हुए भी यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है। एक पार्टी सदस्य जीते हैं और आज ही समाजवादी पार्टी ने सभी से राय मशवरा कर फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है। राहुल गांधी जी अगर वह विपक्ष के दूल्हे बन पाते हैं तो दूल्हे के रूप में आवें। हमारी ओर से माननीय मोदी जी हैं और उनकी अगुवाई में हम ऐतिहासिक विजय 19 में भी प्राप्त करेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज की बहस की, आखिर ये जनादेश क्या कुछ कहता है और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे सबसे पहले करा देते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता सपा रतन सिंह जी हैं, मंजू दीक्षित हैं प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, फरहत रईस खान प्रवक्ता PSPL हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रवक्ता RLD RP सिंह चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में नरेंद्र सिंह राणा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। बहस की शुरुआत करते हैं, मंजू जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने नई कहानी लिखी है, क्या माना जाए राहुल गांधी की जो ये नई इमेज है, ये यूपी की सियासत में भी नई कहानी लिखेगी? बेशक, ये जो जीत है, सबसे पहले तो मैं उस जनता के आशीर्वाद को वंदन अभिनंदन करती हूँ जिसने हमें इस योग्य समझा और एक भारी मतों से हमको विजयी बनाया। और ये जीत हमारे ख्याल से सिद्धांतों की है, ये जीत जनता के हक और हित की है। जो जनता हाशिए पर धकेल दी गई थी वादे करके, उन युवाओं की है जिनको रोजगार नहीं दिए गए, उन किसानों की है जो कर्जा माफी जिनकी नहीं की गई, जिनको 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा दिवस पर कुचला गया, उनको दमन किया गया, मंदसौर के किसानों की है, उन बच्चों की है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे थे, उन महिलाओं की है जो अपने हक के लिए यहाँ पर लखनऊ में ही सुहागिन होते हुए सर मुड़वाती हैं जी, उन सबके आंसू। ठीक है, कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। रतन सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे ही कहानी बदली, कांग्रेस ने अपना कमाल दिखाया, सपा बसपा के तेवर भी बदल गए, खासतौर पर आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं और पहले कमियां गिनाई जा रही थी, दूरी बनाई जा रही थी। नहीं, इसमें शैलेंद्र जी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे तेवर में कोई कमी नहीं है, तेवर बदलना नहीं कहते हैं, हमारी
नीति ही है, हमारी नियत है कि जिस देश को भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो ये कैसी नियत है कि चुनाव से पहले आप दूसरे तरह से कह रहे हैं और जब चुनाव के नतीजे आ जाए तो दूसरी बात। नहीं, अब आप देखिए जनता क्या समझे, आप किस मुद्दों के साथ, किस विचारधारा के साथ, किसी के साथ जा रहे हैं। हमारा, मैं वही हम कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा के साथ है, वो विचारधारा है भारतीय जनता। विचारधारा चुनाव से पहले अलग कैसे हो जाती है, चुनाव के बाद कैसे अलग हो जाती है? अभी तक आप बता रहे थे कि कांग्रेस चुनाव के बाद जी, दोनों में आप देखिएगा कि स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बसपा को ज्यादा सीटें देना चाहते थे, कांग्रेस राजी नहीं थी इसलिए हमने दूरियां बना ली, तो अब कैसे नजदीकियां फिर? ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है मध्य प्रदेश का जो परिणाम है वो मैं सीधी बात करना चाहता हूं, बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मन बड़ा करना चाहिए था, हमारे नेता ने भी कहा, जैसे कि हमने 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कम मत प्रतिशत होते हुए उत्तर प्रदेश में उनको 106 विधानसभा की सीटें दी थी। जी, अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा मन बड़ा करती तो आज भारतीय जनता पार्टी मटिया मेट हो जाती, खत्म हो जाती पूरी तरह से। लेकिन नहीं तो उनकी तो अपनी ताकत है, अपना संगठन है, बड़ी पार्टी है, वो क्यों अपना मन बड़ा करें? वो उनका मन नहीं बड़ा करेंगे तो उनका उसका जो नुकसान सह रहे हैं, जो खामियाजा भुगत रहे हैं, जो इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को सह रही है, उसमें तब उनका इसमें माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गलती कर रही है। एक नहीं, यहाँ पर देखिए दूसरी बात मनु जी, मैं आपको कोई खिलाफत की बात नहीं कर रहा, खिलाफत इसमें जहाँ पर जब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहाँ जो मजबूत होगा यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ पर अभी तो तस्वीर यही बनती नजर आ रही है कि जब भी आपको लगता है कि बीजेपी मजबूत हो रही है तो आप उसके खिलाफ खड़े होने के लिए एक साथ हो जाते हैं, बस। देखिए इस जनादेश में एक बात बहुत, ना तो विचारधारा मिल रहा है, ना तो आपके समीकरण मिल रहे हैं, नेताओं के बीच दूरियां दिख रही है। धर्मनिरपेक्षता, देश का विकासवाद, गुंडाराज, जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रवृत्ति पे चल रही है, लोगों को बांटने का, लोगों को दर्द देने का, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का, तो फिर अगर ये मुद्दे इतनी प्राथमिकता में थे तो फिर सीट बंटवारा कैसे प्राथमिकता में आ गया, सवाल ये भी है ना। देखिए हर पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपनी विचारधारा है, अपना वोट बैंक है, अपना क्षेत्रीय पार्टियों का जहां तक सवाल है जी। चाहे वो बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव मजबूत है। आप देखिए तेलंगाना के रिजल्ट को देख लीजिए, वहां पर तेलंगाना की राष्ट्र समिति ने कांग्रेस को भी हरा दिया, बीजेपी। टीआरएस की बात अलग है, उनका जनाधार, उन्होंने आंदोलन किया है, राज्य गठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जनता उनको अपना मानती है, इसलिए बार-बार देख लीजिए कि वहां की स्थानीय पार्टी ने कांग्रेस को भी हरा दिया, बीजेपी को। आरपी सिंह जी, आप भी यहाँ पर सहयोगी हैं महागठबंधन में, जिस तरह से नए समीकरण चेंज हुए, क्या कुछ भूमिका होगी 2019 में महागठबंधन में आरएलडी की, और इस नतीजों का क्या कुछ असर आप देखते हैं यूपी की सियासत में? सरेंद्र जी, आप देखिए कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर और उसके बाद इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए हैं, इससे एक बात साफ हो गई है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मन बना लिया है। लेकिन केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि इन चुनावों का लोकसभा चुनाव पे कोई असर ही नहीं होगा, दिल्ली के चुनाव, दिल्ली के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को तरजीह नहीं देती जनता। देखिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी, तो वो क्या कहते हैं क्या करते हैं वो तो हनुमान जी की जात भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विचित्र, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले चुनाव में जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत गई थी तो बहुत गर्व से चिल्ला रहे थे कि अब ये देखिए हमारी शुरुआत हो लेकिन गई है, इतनी बड़ी हार भी नहीं लेंगे, अब हारे हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करीब ही मुकाबला रहा है। अहंकार है शैलेंद्र जी, ये उनका अहंकार है, और यही अहंकार नहीं, बात अहंकार की नहीं, आंकड़े भी आप देखिए तो वोट प्रतिशत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 32% मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए तो बीजेपी को मिला है, 31% कांग्रेस को मिला है, सीटें ज्यादा मिली है जिसके वजह से नतीजों में अंतर दिखा, और करीबी मुकाबला रहा है। मुकाबला बेशक रहा हो, लेकिन जो एक राजस्थान में पुराना रिवाज है सत्ता परिवर्तन का, जो एक वादे थे और जो एक वो झूठ का एक सहारा लेकर के चल रहे थे, उस भेद को जनता ने समझाए, जनता को काम चाहिए। देखिए किसान, जनता को फर्क नहीं है कि किसानों नौजवानों की, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये नई तस्वीर सामने आई, आप भी नए दल हैं, नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, आपको भी गठबंधन की तलाश है, नए समीकरणों की तलाश है, ये तस्वीर आपके लिए लिहाज से किस तरह से? देखिए एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है जी, मोदी जी जाने वाले, अच्छे दिन आने वाले। आप कहां जाएंगे ये बताइए, बिल्कुल 2019 में को कहां देखें? हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव परसों दिल्ली भी गए थे और हम गठबंधन के हमेशा साथ हैं। और तो क्या अभी तक तो आप सपा के साथ जो है खड़े नजर नहीं आ रहे हैं? गठबंधन में भी साथ हैं,
अगर गठबंधन में हम हैं, अगर लोग हमें हमारा मान सम्मान रखेंगे, हमें सीटें देंगे, तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकदम तैयार हैं। और जहां यही मान सम्मान की बात तो सपा भी कर रही थी, सम्मानजनक सीटों की बात तो बसपा भी कर रही थी, तो आपके लिए सम्मानजनक सीटें क्या माने? मैं एक और क्यों वो आपकी शर्तें माने? शैलेंद्र जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता, ये कांग्रेस की जीत जानते हैं कैसी जीत है जी? इसमें सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए थे, सारे सांसद लगे थे, सारा मंत्रिमंडल सेंट्रल का लगा हुआ था। उसके बाद दो पार्टियों से और कांग्रेस लड़ रही थी, वो थी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी। नहीं, कहना तो ये है कि छत्तीसगढ़ में ये भी बसपा ने बी टीम की तरह काम किया कांग्रेस के लिए, अजीत जोगी के साथ जाके। किसने किया? बसपा ने। अब बसपा ने अजीत जोगी के साथ क्या काम किया कि वोट काटने का ही तो काम किया, और ये कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे थे डायरेक्ट। लेकिन जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो हम लोग एकदम स्पष्ट तो है। क्या अब लक्ष्य जो है जनता के मुद्दे नहीं है क्या? यहां पर केवल बीजेपी को हटाना ही एकमात्र ये देश की जीत है? कांग्रेस हटाओ, आप कह रहे हैं बीजेपी हटाओ, कांग्रेस हटाओ, आप कह रहे हैं बीजेपी हटाओ, ये जनता का क्या? नहीं शैलेंद्र जी, मैं यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि कल की जीत के बाद में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ में कहा कि जो भाजपा ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं किसी भी विचारधारा से मुक्ति। हाँ, जनता का हित और हक जहां होगा वहां लड़ा जाएगा। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई उस अहंकारी सत्ता से है जो जनता को हाशिए पर धकेल करके सिर्फ अपनों का विकास करती है। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, क्या माना है जिस तरह से परिणाम आए, क्या ये ब्रांड मोदी, मोदी इमेज पर बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है? और यूपी की सियासत में इन परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही वहां की जनता को और उनके निर्णय को हमने सर माथे पे लिया है। नहीं, मिशन 72 प्लस का आपने नारा दिया है इस बार लोकसभा के लिए। हाँ, मैं नहीं, 73 प्लस है। हाँ जी बताइए, 73 प्लस। तो उत्तर प्रदेश के अंदर की बात अगर हम कर लें, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह उसी मजबूती के साथ खड़ी है। तो चुनाव में क्यों नहीं मजबूती से खड़े हो पाए? चट्टान मजबूत है। हाँ बिल्कुल, 200 प्लस बता रहे थे, पांचों राज्यों में 200 नहीं आई है, केवल 200 प्लस बता रहे थे, केवल 20,000। अब वो चट्टान नाम केवल 20,000 वोटों से हारना, 50,000 वोटों से हारना। नहीं, जो आप सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे, आप वोटों की बात कर रहे थे, चार साल के कामकाज गिना रहे थे मोदी सरकार, क्या ये उनकी हार नहीं है? क्या जनता तक योजनाएं पहुंच नहीं पाई, विश्वास नहीं जगा पाई बीजेपी उपचुनाव के बाद, फिर इन बड़े राज्यों में हार मिली? की बात ही नहीं शैलेंद्र जी, वो क्या कहेंगे नरेंद्र जी? ये मन की बात नहीं, आदमी जन की बात सुनना चाह रहा है, चिंता की बात है, काम देखना चाह रहा है। हम सिर्फ बात ऐसे नहीं होगा, अपने लाभार्थियों का वोट नहीं ले पाए तो ये विचार करते हैं। कारणों को जानेंगे कि एक भी मुद्दे पर आप बता दें कि आपने सियासत नहीं करी है, कोई एक उपलब्धि बता दीजिए आप अपने 4.5 साल की। आप हर मोर्चे पर विफल रहे हैं और देश में आपने सिवाय नफरत का माहौल पैदा करने के और कुछ नहीं किया, और सियासत का इज्जत बहुत घटिया कर दिया है, ठीक है, भाषा की सारी मर्यादाएं आप तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज रतन सेन जी, क्या ये वास्तव में बीजेपी के मुद्दों की ही आ रही है या कुछ और दूसरी वजह भी रही है? देखिए शैलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता है नरेंद्र सिंह जी, मैं उनका सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे वहां पे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल किया था, लेकिन उनकी सीटें कम थी जी। अगर ये लोग ये कहना चाहते हैं कि इनके मत प्रतिशत ठीक हैं, तो एक सवाल सीधा सा है कि 163 से 73 पे आए हैं ये जी। राजस्थान में, राजस्थान का अलग समीकरण, 165 में कोई बात नहीं, मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर देता हूँ। 56 ये घटे हैं, 56 कांग्रेस बड़ी है, हम भी उसमें आए हैं, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, निर्दलीय एक सीट आपने जीती है, 51 सीटों पे आपने उम्मीदवार उतारे थे, वहां पे सीना भी 56 इंच का था, बात पूरी हो जाने दीजिए। हमने वहां पर बहुत मजबूत दस्तक दी है, जनता ने हमें प्यार दिया है, समर्थन दिया है, हमारी पार्टी 5 जगहों पर सेकंड पर और 4 जगहों पर थर्ड पोजीशन पे रही है, हमें उतना प्यार बहुत हम लोग मान रहे हैं, बहुत सम्मान मान रहे हैं। हमारा सवाल नरेंद्र जी से है कि आपकी पार्टी जब पिछले चुनाव में, यही जो 2013 में हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्य जीत लिए थे, और इन्होंने ये कहा था कि अब हम लोग इसी लहर के आधार पर 2014 जीत लेंगे।
तो नरेंद्र सिंह जी मुझे लहर की बात अलग है, ये जो सियासत का नया शहर बस रहा है, नया गठबंधन बस रहा है, इसकी क्या कुछ हो जाए? जो मध्य प्रदेश राजस्थान टूटता है, कभी बिखरता है, कभी यहाँ वैचारिक दूरी बनती है और कभी अचानक नतीजों के बाद 2019 में आपकी पार्टी की राज सत्ता जा रही है? नहीं, बीजेपी में जो हो रहा है वो अलग की बात है, आप बताइए जो गठबंधन की नई तस्वीर नजर आ रही है आखिर उसकी क्या कुछ वजह है? कभी आप दूरी बना लेते हैं, कभी वैचारिक जो है मतभेद सामने आते हैं, और कभी अचानक से आप बीजेपी हटाने के लिए एक फार्मूला समझ लीजिए, 100% फार्मूला है कि अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि इनकी बहुत चट्टान की तरह उत्तर प्रदेश में है, हमारी दो पार्टियों के गठबंधन का वोट जोड़ दीजिए, इनकी आंधी और तूफान लहर और सुनामी का वोट जोड़ दीजिए, हार गए हैं, अभी उसी वोट परसेंट को ही जोड़ दीजिए तो हार गए, और इनका चट्टान को हम लोग ऐसा उठाए जिससे धूल उड़ जाता है। आने दीजिए 2019 बताइए नरेंद्र जी, इस चट्टान को मिट्टियां मेट क्या ये मोदी मैजिक का डाउनफॉल नहीं है? सब खत्म कर देंगे क्या ये मोदी मैजिक का डाउनफॉल नहीं है? क्या ये आपके मुद्दे, आपके नोटबंदी, जीएसटी, इन सब का असर नहीं है? शैलेंद्र जी जी, एक परिणाम जो आए हैं उन पर गौर करिए, 2014 से लेके अब तक लगभग 20 राज्यों में चुनाव हुए जी, जिसमें ये 3 राज्य हम हार गए, 17 जगह हम जीत गए। उपचुनाव में तो हर जगह आपको हार मिली, कमाल है, और मैक्सिमम सीट पर आप हार गए उपचुनाव में, उपचुनाव 2014 के बाद इन्होंने जो नीति अपनाई है शैलेंद्र जी, बहुत दमदारी से कह रहा हूं, इससे इनकार नहीं करते, जो नीतियां चलते इन्होंने नोटबंदी जीएसटी वगैरह जितना भी किया है अंदर जो हजारों में हार उसके दुष्परिणाम देखने को मिलना शुरू हुए, तो 2017 के बाद से गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर से शुरू होकर के आज 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी को भी बोल में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, ठीक है, तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश जी, बताइए नरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हम कार्यक्रम करते हैं, आप कैसे पैमाना लगाएंगे? चुनाव तो अपनी डेट पे होगा, हमने अभी बाइक रैली निकाली, हमने अभी पद यात्रा निकाली, आप लोगों ने कुछ किया? आपने कोई काम बता दीजिए नरेंद्र सिंह जी जा सके, और बाइक रैली आप कितना पेट्रोल देकर के निकलवाते हैं उससे हम चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, जनता के बीच जिस तरह से चुनाव के नतीजे सामने, क्या आपको लगता है महागठबंधन में अब एक दूसरे की एक दूसरे की जरूरत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं चुंबकीय शक्ति अब जो है इन चुनावों ने दी है दलों को आपस में? निश्चित रूप से दी है, क्योंकि जो 2019 का लोकसभा चुनाव है ये एक तरह से देखिए कई अंतर्द्वंद्वात्मक तथ्य इसमें प्रकट हो रहे हैं जी, अगर 5 राज्यों की हम सिर्फ बात कर रहे नहीं, हैं, नहीं सबसे बड़ी कमी थी राष्ट्रीय नेतृत्व की, तो क्या राहुल गांधी ने अपनी स्वीकारता नहीं बढ़ा दी उन चुनावों के बाद? यूपी में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं संजीवनी की जरूरत है कांग्रेस को, क्या अब वो संजीवनी मिलती नजर आएगी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दिखेगी? नहीं, देखिए इसके पहले पंजाब में सरकार बन चुकी है, कर्नाटक में सरकार बन चुकी है, अगर राहुल गांधी के नेतृत्व के स्थापना का प्रश्न है तो जब वो सब जगह हार रहे थे तब उनको अध्यक्ष बनाया गया था जी, और अब वो 2-4 जगह जीत रहे हैं तो अध्यक्ष है ही है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि करिश्मा पैदा हो जाएगा। गुजरात में भी काफी अंतर उन्होंने पैदा किया था, लोग बोल रहे थे कि सैंपलिंग है उनकी सरकार, अगर आप सरकार बनाने से, अगर आप देखिए यहाँ पर जो बहस हो रही है वो सरकार बनाने से हो रही है, तो उस विशेष संदर्भ में बात कह रहा हूँ जी। और जो ये 5 राज्यों का प्रश्न है, देखिए मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट आ गई जी, वहां पर कांग्रेस की 10 वर्ष से सरकार थी और उनके जो मुख्यमंत्री ललथन हौला जी 2 सीटों से हारे जी। आप तेलंगाना में पहले से मालूम था, तेलंगाना में देखिए महागठबंधन की हार हुई टीआरएस के खिलाफ जी। अब इसको छोड़िए, आप देखिए छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 10% वोट शेयर जो है वो घटा है बीजेपी का जी। और अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए न लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है और न लैंडस्लाइड कोई लॉस हुआ है जी। इसको ध्यान में रखिएगा कि 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर कि 6 से लेकर के, लेकिन मोमेंटम तो चेंज हुआ है। नहीं, एक मिनट, मैं सारी बातें पूरी करूंगा, पहले तो उन लोगों को बधाई जो जीत गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो चुनावी विश्लेषण है वो इस बात का है कि भाई ठीक है, आप वोट परसेंट के हिसाब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 0.1% ज्यादा वोट मिली है जी, सीटों के हिसाब से सीटें कम ज्यादा हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग भूल रहे हैं वो ये है कि जनादेश जी, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनादेश स्पष्ट रूप से किसी भी राजनीतिक दल को जनता ने नहीं दिया जी, जबकि इतने 15 वर्ष से ज्यादा की एंटी इनकम्बेंसी वहां पर धरातल पर काम कर रही थी जी।
अब रह गई महागठबंधन की बात जी। तो चूंकि अभी पोस्ट प्री पोल अलायंस तो हुआ नहीं था इन लोगों का जी। कुछ खटास भी थी, वो अभी आपने डिबेट में भी सुनी, दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात कह रहे थे जी। पोस्ट पोल अलायंस की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आपका फूलपुर है, कैराना है, गोरखपुर है और नूरपुर के चुनाव जो हुए थे, मध्यावधि चुनाव जो हुए थे जी। अब ये पोस्ट पोल अलायंस अगर होता है तो निश्चित रूप से, मैं देख रहा था कि बीजेपी का भी वोट शेयर अगर 2013 के हिसाब से 2018 में कंपेयर करें तो कम हुआ है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। तो उस दृष्टि से चिंता करने की बात है कि 2013 से 18 में स्लाइड हुई है, कांग्रेस की बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हुई है, ठीक है। मंजू, तो अब ये कितना, ये बढ़त उत्साहजनक जरूर है लेकिन बदलाव की बयार ला पाएगी 2019 में, जिस तरह से मोदी मैजिक की बात है, जिस तरह से उनका तिलिस्म है, क्या कहते हैं एक मैं यहाँ बताना भी चाहूंगी कि जो बात आ रही है कि मुद्दों की और राहुल जी के नेतृत्व की बात आ रही है जी, गौरतलब है कि कल ही राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए एक वर्ष पूरा हुआ था। नहीं, ये मान लिया जाए कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, जिस तरह से हमने देखा, बेशक है, क्यों नहीं है, इससे बड़ी और क्या, जहां पर एक तरफ में भाजपा ने एक दुष्प्रवृत्ति डाल दी थी कि उन्होंने अपने आप को एक ब्रांडिंग के तौर पर उन्होंने सारी मर्यादाएं और सारी उसूलों को ताक पर रख करके किस तरीके से किया था, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था, और उनका झूठ, विधानसभा चुनाव तो स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, और अगर रमन सिंह की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, वसुंधरा राजे की बात कर लें, तो ये सब लोकप्रिय नेता रहे अपने अपने क्षेत्र में। देखिए, आप लोग इस बात को महत्व जरूर दीजिए कि इनको भी जनादेश नहीं है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 114 है, 116 चाहिए थी, हर जगह करीबी मुकाबला रहा है, राजस्थान में 100 चाहिए थी, 99 है। तो आप अगर सीटों से बात करेंगे और वोट परसेंट से बात करेंगे, देखिए रीजनेबल बात करनी चाहिए ना, ऐसा राजनीति नहीं, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंगारी तो है इन चुनाव में, हाँ, लेकिन इन चुनाव से चिंगारी है तो नहीं है, आपको लग रहा है ना, हमें बिल्कुल स्पष्ट लगने वाली बात नहीं है, उसकी बात सारी चीजें रिकॉर्ड है, बिल्कुल कोई लगने वाली बात नहीं कही जा रही है, ठीक है। फरहत खान साहब, नई पार्टियों के लिए क्या नई कहानी होगी इन चुनाव के बाद? देखिए, हम लोग गठबंधन के लिए एकदम तैयार हो, जहां तक राजनीतिक विषय कह रहे हैं, लेकिन दबाव तो आपके ऊपर ही बढ़ेगा, क्योंकि अब तो यहां पर सीट शेयरिंग का समीकरण बिगड़ेगा, कांग्रेस अपना डोमिनेंस भी दिखाएगी, कांग्रेस जीत के आई है जी, और बिल्कुल इनके साथ ये आप सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि इनको तो पता नहीं आपकी जरूरत हो भी कि ना हो, फिर ऐसा फिर कैसे अपनी उपस्थिति आप दर्ज कराएं? दिल्ली गए थे और समाजवादी पार्टी का कोई रिप्रेजेंट भी वहां नहीं कर रहे थे, हमारे नेता मानी शिवपाल सिंह यादव जी गए भी थे, परसों मीटिंग थी विपक्षी सारे नेताओं की और शायद समाजवादी पार्टी, तो किस विचार के साथ आप एकजुट होंगे अभी आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और देश में चलने वाली जितनी भी ये ताकतें देश को चलाती हैं उनको कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। बताइए, आरबीआई को क्या हाल कर दिया है, सीबीआई का क्या हाल किया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या हो रहा है कि रोड पे जजेस आते हैं, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लिहाज से आरबीआई का मुद्दा, आप उत्तर प्रदेश की पार्टी है, आरबीआई के गवर्नर से पीएसपीएल को क्या लेना देना? किसको? आरबीआई के गवर्नर अगर इस्तीफा देते हैं तो यूपी की जनता का इस पे क्या असर होगा, चुनाव में इसका क्या असर होगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, क्या इसका पीएसपीएल का ये इसके साथ चलेगा? ये पहली बात हो रहा है, ये पहली बात हो रहा है, और महिलाएं मुंडन करा रही है, रोजगार है नहीं, सारे आप बताइए, वास्तव में यही मुद्दे हैं, वास्तव में यही मुद्दे हैं जो आपको गठबंधन के लिए मजबूर कर रहे हैं? बिल्कुल, देश में आंदोलन का नाम जाने आते हैं, ये बात आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे? जब नतीजे है तब ये मुद्दे क्यों आप उठाने लगे? अभी तक आप सपा से दूरी बनाए हुए थे, हम पहले से मुद्दे उठा रहे हैं, कौन कह रहा मुद्दे नहीं उठा? रतन सिंह जी बताइए क्या करें। देखिए, आपने बहुत बहुत गंभीर सवाल पूछा है कि मुद्दे क्या है। देखिए, मुद्दा है बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या, मुद्दा है सहारनपुर के एसएसपी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का आक्रमण, मुद्दा है यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति और बंटवारा, मुद्दा है जो अभी नौजवानों ने आपने देखा होगा चिट्ठी लिख करके चार नौजवान रेलवे के सामने कूद गए थे जिनमें तीन की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने लिखा था कि जब नौकरी ही नहीं मिलने है तो जी के क्या करेंगे। मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, मुद्दा है इस देश के सम्मान और इस देश के जो स्वाभिमान के साथ, मुद्दे तो काफी हैं, लेकिन लेकिन माहौल बदलने के साथ एक मंच पर आने की जो तस्वीर बदल रही है उस पर बहस लगातार जारी रहेगी। नरेंद्र जी से भी हम जवाब भी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक कि इसमें नरेंद्र सिंह जी भाग।
तो बहस लगातार जारी है। रतन सेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप बोल रहे थे कि काम बोलता है, यूपी को ये साथ पसंद है और फिर कांग्रेस से दूरी बना ली थी, अब जैसे ही नतीजे बदले वैसे ही आपके विचार भी बदल गए। आखिर ये तस्वीर 2019 में किस तरह से होगी और अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से हम कैसे इसे देखें, क्योंकि सत्ता में वापसी के ज्यादा चांसेस यहां पर जनता भी समझ रही कि सपा के ही हैं, सपा ही दूसरे नंबर की पार्टी है, तो उस लिहाज से हम इस तस्वीर को कैसे समझे। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके मुंह में घी शक्कर कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की वापसी होगी, सरकार बनेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैं बहुत दमदारी से यहाँ पे फिर कर रहा हूँ, उसी के लिए तो आपने सारा तिलिस्म रचा है, उसी के लिए आप बसपा के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, उसी के लिए कांग्रेस के लिए सबसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री रहे, डेवलपमेंट किया और काम बोलता है तो बोलता है। आज भी जो काम अखिलेश यादव ने किया है वही काम बोल रहा है, चाहे लेकिन चुनाव में तो काम नहीं बोला ना, फिर अखिलेश जी के चुनाव में तो नहीं बोला काम बोला। दूसरी बात, आपके अपने अलग अभी धड़े के साथ खड़े हो गए। मध्य प्रदेश की अभी आप बात कर रहे थे, मैं बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये आप नरेंद्र मोदी साहब को लेके पीछे क्यों भागना चाहते हैं, शिवराज चौहान के, रमन सिंह के और वसुंधरा राजे के। अब देखिए, उन्होंने बार बार कहा कि यहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो डबल डेवलपमेंट है। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता साफ साफ कह रही है और बहुत सारे अखबारों में निकला है कि वहां शिवराज सिंह चौहान से उतनी नाराजगी नहीं थी जितनी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार से थी। आप खुद उठा करके देख लीजिए। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप जीत का श्रेय पगड़ी बांधते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो हार की जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रहे हैं, कायरों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। हिम्मत है तो 56 इंच का सीना लेकर के कहिए कि आप चुनाव हारे और 19 का चुनाव आप बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। जी बताइए नरेंद्र जी। शैलेंद्र जी, ये नरेंद्र मोदी से इनको पीड़ा है और किसी से पीड़ा नहीं है, क्योंकि देश के अंदर उतने बड़े जनाधार वाला तो चुनाव भी तो आप उन्हीं के चेहरे पर लड़ते हैं, किसी भी इलेक्शन में आपका चेहरा तो वही होता है नरेंद्र सिंह जी। एक मेरा जवाब दे रहा हूं मैं जी। 2012 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री चुना, पूर्ण बहुमत की सरकार आई जी। 3 महीने बाद ही नगर निगमों के चुनाव में उनका सूफड़ा साफ हो गया। फिर 2 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव आए तो वो साफ हो गए। फिर 17 में चुनाव आए तो साफ हो गए। अरे भैया, तुम लगातार 2012 के 3 महीने केवल आप टिके हैं जनता की, तो ठीक है ना, अंतिम आपकी लगाई हुई आग को आप बताइए, नोटबंदी के पहले की सीरीज की बात मत करिए, अभ्यास देख लीजिए नेताओं के साथ आपके जो भाषण है, आपने तो कांग्रेस को संजीव ने फूंक दिया, कांग्रेस पार्टी ने आपसे विनय किया, कांग्रेस भी हारी। नहीं, आप परिणाम पे तो आइए ना। आपने एक बार भी कांग्रेस ने कहा कि हमारी लुटिया भी डूब गई इनके साथ जाने से, नहीं तो हम तो जीत जाते। ये कारण जो आपके आप उसी 17 का चुनाव जीत करके जो उसकी चबा रहे हैं, जो बहुरी 12 के बाद से हमने 14 जीते, तैयार हो जाइए, 17 जीते, 2 नगर निगम जीते, लगातार आप बार बार चलाते थे 14 का पागुर अभी तक कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं इस पर आ रहे हैं? अभी अभी ताजा ताजा 2 दिन पहले आपका सूपड़ा साफ हो गया है, कल ही आप बताइए कि आपको क्या जरूरत। हम जब हारे थे तो हमने हार को स्वीकार कर लिया और बीजेपी लगातार बोले कि जीत आपकी पूरी मॉडल का नाम लेकर कब्रिस्तान और शमशान का वो नाम लेकर के वोट मांगे थे, जिसको अब जनता ने अब समझा है और आपको नकारना शुरू कर दिया है, इसलिए तैयार रहिए 2019 में। कहानी और कहानी नहीं, यहाँ पर उतर जाएगी झोला कांग्रेस ने लिखी है। मनोज दीक्षित जी, कांग्रेस की ने नई कहानी लिखी है, रायबरेली में इस तरह से बीजेपी घेरती आई थी आपको, अब एक नया मौका मिला और साथ ही राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने आपको फिर से रिवाइव किया है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है, इसको आप किस लिहाज से देखते हैं? और दूसरे दल जो यूपी में आपके साथ आना चाहते हैं उनको लेकर क्या कुछ तैयारी? शैलेंद्र जी, एक शुभ संकेत है उन शक्तियों के खिलाफ जो देश में अराजकता का और झूठ का माहौल पैदा। आप तो बोलने की बस खाली एक ही शक्ति है, बीजेपी को ही हटाना है। नहीं नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कल अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये भाजपा की मंशा होगी कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, और ये उनका भय है, जो ये उनका वाक्य था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो ये उनका भय था, ये उस इतिहास को नकारना चाहते हैं जिसने देश को बनाया है। और आप बार बार मेरे मुंह से ये मत सुनिए कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त हम लोग कुर्बानियां दे रहे थे,
हमारे यहाँ नेहरू जी बहुत समय तक जेल में रहे, उस वक्त आप मुखबरी कर रहे थे, आप नहीं जानते इतिहास में क्या हुआ, वो सवाल नहीं जानते भविष्य में क्या होगा, 2019 में क्या होगा, जिस तरह से पार्टी हादसे पे चली गई थी, आपके संगठन पर सवाल आएगी। मंजू की बात, मंजू जी की बात से सहमत हूँ, जब नरेंद्र सिंह जी की पार्टी 70 साल की बात करेगी तो 70 साल के पहले की भी बात होगी, इनके दल और इनके संगठन की गद्दारी की भी चर्चा होगी, इस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए। पार्टी के लोगों ने गांधी को मारा और ओडिसा के पुजारी लोग हैं जिस पर क्या ऐसा बदल गया जिसकी वजह से हिंदी भाषी राज्यों में इस तरह से परिवर्तन देखने को मिला। 12 नगर निगम, 14 लोकसभा, 17 विधानसभा, 4 साल के वक्त में जनता उप चुनाव दिन भर में 50 झूठ बोल बोल के कितना एक जुमले बाद पकड़ गए हमारे ख्याल से ये पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के जिन्होंने प्रेस वार्ता नहीं करी। भारत की जनता की मर्जी है, प्रेस वार्ता न करना कोई यहाँ पर राजनीतिक दबाव की बात नहीं है। हमें मालूम है कोई कारण नहीं, जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग में इन्होंने देश का निर्माण कहीं पर भी नहीं किया 4.5 वर्ष। चलिए निर्माण की बात आ रही है, आरपी सिंह सिवाय अपना निर्माण किया है, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को चपट कर। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो गई। आरपी सिंह जी आप बताइए, आप जनता के मुद्दों के साथ पश्चिमी यूपी में जाते हैं, गठबंधन में भी आपकी जो है अपनी भूमिका होगी, क्या कुछ आप देख रहे हैं चुनाव के लिहाज से, आरएलडी के हिसाब से और महागठबंधन के लिहाज से और यूपी में मिशन 2019 के तमाम दावों और प्रयासों के बीच में? देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार आंदोलन किए, चाहे वो आलू किसानों की समस्याएं हों, चाहे गन्ना किसानों की समस्याएं हों, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों नौजवानों के साथ जो 2014 में वादा किया था उसके साथ वादा खिलाफी की है। आज ये उपचुनाव हैं, चाहे ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं जी, आप देखेंगे कि देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है जी। रही बात महागठबंधन की, तो स्वाभाविक सी बात नहीं, आपका कारण क्या होगा महागठबंधन में जाने का? नहीं, हम क्यों नहीं, हम भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के लिए हमारे नेता ने सबसे पहले किसानों ने प्रदर्शन भी किया, आप सरकार पर दबाव बनाई अलग से कांग्रेस में केवल जाने के लिए क्यों? दल क्या करेंगे ये चैनल से पूछ करके तय थोड़े करेंगे, हम किससे समझौता करेंगे, कितनी सीटें लेंगे, जब नेतृत्व के लोग बैठेंगे, विभिन्न पार्टियों का नेतृत्व बैठेगा जी, तो क्या एजेंडा होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये जब तय हो जाएगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताएंगे। लेकिन एक मोटी मोटी बात तो है, मैं सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, एक बात बोल लीजिए, उनकी बात भी आ जाने दीजिए। हां, बात पूरी, आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हो, सही बात जाने नहीं देना चाह रहे हो। आज जो किसानों की नौजवानों की दुर्दशा है, जो उत्पीड़न है, जो आरबीआई का संकट है, जो यूपी SSSC के चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं, ये सब छोटे मोटे किसानों की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में किसानों के आदर्श नेता है रमन सिंह, जिस तरह से चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने धान और गेहूं के लिए तमाम वादे किए, क्या यही कारण रहा है किसान की नाराजगी? खुद को कोई स्वयंभू किसी का नेता घोषित कर दे, जब नेता जनता मानेगी तो नेता होता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के साथ झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह किया, आज माफी नहीं मांग रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं देते हैं। आज जीएसटी का नोटबंदी का जो नुकसान हुआ, नरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए, आप बुजुर्ग आदमी, गंभीर आदमी है, आप गंभीर आदमी हो, आप ये बताइए कि जो नोटबंदी से नुकसान हुआ, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ, गन्ना के मूल्य का क्या हुआ, आलू का किसान के स्वामीनाथन आयोग की बात करेंगे तो कांग्रेस के सामने भी यही मांग थी, उन्होंने कहा था पूरे की किसानों की समस्या उनके समय में थी, कर्ज माफी की समस्या उनके समय में थी, और आगे भी करेंगे। नरेंद्र सिंह जी बात सुनने की कोशिश कीजिए, जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, आज देश की जनता देख रही है राजनीतिक पार्टियों की अपनी बात है। ब्रजेश जी, जनता ने क्या बताने की कोशिश की? अगर चुनाव की तरफ से हम देखें, पार्टियां अपने अपने हिसाब से मंथन करेंगी, समीक्षा करेंगी, आगे की रणनीति बनाएगी, लेकिन जनता ने क्या तय किया है, जनता का मन क्या बताता है? अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें और यूपी की सियासत के लिहाज से देखें तो हमसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, अब अगर महागठबंधन बनता है, अगर प्री पोल अलायंस होता है जी, तो निश्चित रूप से अभी आज की जो परिस्थिति है उसमें महागठबंधन को बहुत बड़ी लीड दिखाई पड़ रही है जी। और अगर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है तो उनको कुछ रणनीति के अपने कोर्स करेक्शंस करने पड़ेंगे। अब वो क्या होंगे उनके रणनीतिकार समझेंगे जी। असंतुष्ट जो लोग हैं, जो परंपरागत इनका वोट बैंक है, वो इनसे असंतुष्ट है जी। और आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन
वीक है या फिर डिलीवर नहीं कर रहा है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको जो इनके अपने समर्थक हैं जिन्होंने इनको चुना था जी, उनको इन्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसमें भी इनको एक एक तरह से मैं समझता हूँ संवेदनशीलता। लड़ाई अभी अधूरी है कांग्रेस के लिहाज से भी, अभी भी उनको काफी कुछ करने की जरूरत है और साथ ही बीजेपी को भी यहाँ पर फिर से रणनीति में बदलाव करना होगा, तमाम बातों का ध्यान रखना होगा और तभी तय हो पाएगा कि 2018 के परिणाम 19 में किसके लिए जीत की इबारत रखेंगे और कौन 19 में 20 साबित हो पाएगा। हमारे पास वक्त की कमी है, फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।